ओके सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, ठीक है, ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है बेटा जो पूरा का पूरा ये एक चैप्टर बेटा आपका कवर अप करेगा टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले इसकी ब्लूप्रिंट समझ लो आप लोग। अब 10 मार्क्स के इस चैप्टर के अंदर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीन क्वेश्चंस होते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। ध्यान रखना, हम चाह के भी पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार में नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा, एंड देन उसके बाद जैसे ही हमारा 3 मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे तो हम आएंगे अपने 6 मार्क्स के कॉन्सेप्ट पे। और जो 1 मार्क का कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा वो हम इन दोनों को जब कवर अप करेंगे तो वो अपने आप कवर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोग के समझने के लिए कि आपका अकाउंटेंसी का पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, बाकी जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। सोचने वाली बात यह है कि 80 मार्क्स में अकेला 10 मार्क्स ये सिंगल चैप्टर कवर करता है, मतलब आपको कोई भी अलग से कोई दूसरा चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो इतनी ज्यादा वेटेज रखता हो। सो दैट मींस व्हाट कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका 10 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या क्या है तो वो ध्यान से समझना। 3 मार्क्स के कॉन्सेप्ट के लिए बेटा हमें ट्रीटमेंट समझनी होगी सब्सक्रिप्शन की, हमें ट्रीटमेंट समझनी होगी कंजप्शन की, और हमें ट्रीटमेंट समझनी होगी बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। ये तीनों टॉपिक आपके सेपरेटली आ सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए, 3-3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। रही बात 6 मार्क्स के लिए, तो 6 मार्क्स में बेटा आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हालांकि ये बात जरूर रहेगी कि आपको जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है विद एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट्स के साथ गिवन होता है, और उन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से, मतलब रिसीट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट्स की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसी के थ्रू हमारा ये टॉपिक कितने मार्क्स का कवर हो जाता है, 6 मार्क्स का कवर हो जाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो मतलब एनसीआर के पेपर होते हैं, ठीक है, या फिर अदर स्टेट्स के भी देखे गए, वहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने को आ जाता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखना आप लोग बहुत लकी रहोगे क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है एज कम्पेयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। बट ध्यान रहे ये सिर्फ अभी तक जो देखा गया वो एनसीआर के पेपर में या अदर स्टेट्स के पेपर में देखा गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डेली का पेपर होता है उसमें हमेशा 6 मार्क्स के लिए आपका यही टॉपिक आया है। बट सबसे पहले तो हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे 6 मार्क्स के फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले चीज 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना बेटा दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसके फॉर्मूले को समझेंगे बेटा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो दो टाइप के रिसीट यानी दो टाइप की चीजें प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दो टाइप की रिसीट्स कैसी कैसी होती है। एक होती है बेटा जनरल रिसीविंग्स, मतलब जनरल रिसीट्स, और एक होती है स्पेसिफिक रिसीट। एक होती है जनरल रिसीट और एक होती है स्पेसिफिक रिसीट। जनरल रिसीट्स का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब जैसे मान लो मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे कुछ अमाउंट रिसीव हुआ बट दैट इज फॉर द जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब ये कि उस अमाउंट को मैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। सपोज करो मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैं स्लम एरियाज के बच्चों को बेटा खाना खिलाता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप जितने भी बच्चे हो आप सबने मेरे को लेट्स से 1000-1000 रुपीज क्या कर दिया, डोनेशन पे दे दिया, और मुझे ये नहीं बताया कि इन पैसों को कहाँ यूज करना है, आपने सिर्फ मुझे डोनेशन दिया। तो दिस इज अ नॉर्मल डोनेशन जो मेरे पास आया, जिसको मैं कौन सी रिसीट बोलूंगा, जनरल रिसीट। मतलब ये कि इन पैसों को मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। हो सकता है इन पैसों से मैं स्लम एरियाज के बच्चों के लिए कपड़े खरीद के दे दूं, हो सकता है इन्हीं पैसों से बेटा मैं स्लम एरियाज के बच्चों को खाना खिला दूं, देयर माइट बी चांस कि इन्हीं पैसों से मैं उन स्लम एरियाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा दूं, उनको स्टेशनरी दे दूं, तो कुछ भी कर सकता हूं। सो दिस इज अ जनरल रिसीट। लेकिन हमें मेन फोकस अभी के कॉन्सेप्ट के लिए रखना होगा स्पेसिफिक रिसीट पे। स्पेसिफिक रिसीट का मतलब ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला बेटा, लेकिन फॉर सम स्पेशल पर्पस,
मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लो नंदिनी ने मुझे 5000 रुपीस का डोनेशन दिया, बट उसने मेंशन किया कि सर ये डोनेशन आप क्या करोगे, स्लम एरियाज के बच्चों के लिए क्या ऑर्गेनाइज करोगे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, मतलब आप उनके बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी को फोकस रखते हुए आप उनके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे, और उसके लिए मुझे नंदिनी ने 5000 रुपीस का अमाउंट दिया। अब एक बात बताओ आप लोग, ये जो मेरे पास 5000 रुपए नंदिनी के थ्रू आया, क्या मैं इस पैसों को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ या सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट कराने के पर्पस पे यूज करूंगा? राइट, सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट के लिए। That means what? अब ध्यान से समझना। इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास receiving side, this is for some specific purpose. And बेटा अगर आपके पास कोई भी receipts, कोई भी amount अगर आपको, यानी non-profit organization को कोई भी amount receive होता है for some specific purpose, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? Fund बोलेंगे। Right? समझ में आया सारे बच्चों को? अच्छा, अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज, आप जरा एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अगर नंदिनी ने मुझे 5000 रुपीस दिया है डोनेशन, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? टूर्नामेंट कराने के लिए। तो क्या एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ऑब्लिगेशन, कि मुझे अब ये पैसा टूर्नामेंट के लिए ही यूज करना है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता? भाई सारे बच्चे इस पॉइंट को समझे। सारे बच्चे जवाब दे बेटा। राइट, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय स्पेसिफिक फंड, जो मेरे लिए क्या होता है बेटा, हमेशा लायबिलिटी होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा लायबिलिटी होता है। अब पॉइंट हम समझेंगे बेटा कि हम इसके अकाउंटिंग यानी इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जरा उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस उसमें हम ऐड करेंगे इनकम रिसीव फॉर दैट स्पेसिफिक फंड, मतलब उसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम रिसीव हुई हो, और उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंस रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक फंड, मतलब उसी फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ हो। और उसके बाद बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मेन चीज अभी आएगा, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो दैट मींस कि अभी भी फंड के पास पैसा बचा है, जो फंड के लिए क्या क्रिएट करता है बेटा, लायबिलिटी क्रिएट करता है। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो दैट मींस आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो अब आप उसे कहां शो करोगे, ठीक है। अब ठीक है, ये तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे होगा हमें वो समझना है, ठीक है। तो सारे बच्चे वापस से ध्यान से समझेंगे बेटा, तो जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे होता है। सपोज करो मुझे ना नंदिनी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेट से 10,000 रुपीज दिया था, तो वो मेरा टूर्नामेंट क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा, विच इज नोन एज 10,000 रुपीज का टूर्नामेंट फंड हो गया। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उस फंड से रिलेटेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मान लो मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक तो मेरी टीम होगी जिसमें स्लम एरियाज के बच्चे हैं जिनके लिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो और भी टीम्स को मैं इन्वाइट करूंगा कि नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब सपोज करो बाकी और भी टूर्नामेंट के लिए और भी टीम्स आ रही है और वो एंट्री फीस दे रही है, ठीक है, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फीस दे रही है, तो ये जो फीस रिसीव हो रही है मुझे बाकी कंटेस्टेंट से, बाकी टीम से, ये मेरे पास जो मेरे लिए इनकम है कि नहीं, पहले ये बताओ, और ये इनकम मेरा इसी टूर्नामेंट फंड से, टूर्नामेंट से रिलेटेड है कि नहीं है? तो मतलब ये है कि अगर मेरे पास उसी फंड से रिलेटेड कोई इनकम आया तो मैं उसे क्या करूंगा, प्लस या माइनस? प्लस। अब देखो वही चीज मैंने किया है, हमने अगर कोई इनकम रिसीव किया फॉर दैट स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक मतलब उसी टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड अगर हमने कुछ भी इनकम रिसीव किया तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मान लो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ग्राउंड बुक किया, तो ग्राउंड बुक करने के लिए पैसे खर्च होंगे कि नहीं?
ठीक है। इसके अलावा जितने भी मतलब प्लेयर्स हैं उनके लिए मैंने रिफ्रेशमेंट रखा, ठीक है, लेट्स से उनके लिए मैंने जूस रख दिया, उनके लिए मैंने वाटर रख लिया, उनके लिए मैंने कुछ सपोज करो स्नैक्स रख लिया, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? एंड ये एक्सपेंसेस जो है इसी टूर्नामेंट से रिलेटेड है कि नहीं है? दैट मीन्स वॉट, कि अगर कोई एक्सपेंस हुआ उसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड तो मैं उसे क्या करूंगा? माइनस करूंगा और उसके थ्रू आपका बैलेंस आ जाएगा। अब आपका बैलेंस दो तरीके से आ सकता है, इधर आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये बेटा कि अभी भी मेरे पास टूर्नामेंट फंड में पैसे बचे हैं। अब समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास टूर्नामेंट फंड में पैसे बच गए बेटा तो क्या उन पैसों को मैं किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ या फिर जब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट कराना होगा उसी के लिए यूज कर पाऊंगा? राइट मतलब अब जब मुझे अभी मेरे पास टूर्नामेंट में अभी भी पैसे बचे हैं मेरे टूर्नामेंट फंड में, तो जब मुझे नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट कराना होगा तो इन्हीं पैसों को मैं यूज करूंगा। तो मतलब अभी के लिए क्या सिद्धांत, थोड़ा तेज बोलो, अगर टूर्नामेंट नहीं हुआ बेटा देखो वो पैसा आपको तब भी अपने टूर्नामेंट फंड के अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जब टूर्नामेंट कराओगे तभी उस पैसे तब उन पैसों को यूज करना कंपलसरी रहेगा और किसी पर्पस के लिए आप उन पैसों को यूज नहीं कर सकते, बात समझे? ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक लाइबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हम उसे लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। बट इसी के रिवर्स में सपोज करो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड में जितने पैसे थे उससे ज्यादा तो हमारे खर्चे हो गए। अब बेटा ये हमारे बिजनेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्रिएट कर देगा? एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सपेंस। तो इसीलिए हम इसे कहां शो करेंगे बेटा? एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड, लेकिन हमें ना इसमें मेन चीज ध्यान रखना होगा इसके प्रेजेंटेशन पे। कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी कि हमें समझ में आ गया कि कैसे करना होता है, बट हमें ध्यान रखना होगा बेटा कि हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले एक काम करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला नोट करो फिर मैं इसकी प्रेजेंटेशन बताता हूँ बेटा, जल्दी से नोट करो आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला वाइज हमने ये चीज समझ लिया कि भाई हमने ये तीन पॉइंट यूज किए फॉर्मूले में कि हमारे पास कितना फंड का बैलेंस था, हमने उससे रिलेटेड इनकम को ऐड किया, हमने उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस किया। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, नेगेटिव आया तो एक्सपेंस साइड शो करते हैं। अब ये कैसे शो करते हैं हमको वो समझना है। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं बेटा कि हमारे पास लेट्स से एक टूर्नामेंट का एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास लेट्स से टूर्नामेंट फंड है लेट्स से 50,000 रुपीस। हमें हमने बेटा फीस रिसीव की, फीस रिसीव फॉर टूर्नामेंट लेट्स से 10,000 रुपीस एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस हुए हमारे बेटा, टूर्नामेंट एक्सपेंस हुए लेट्स से हमारे 30,000 रुपीस के, ठीक है। अब मैं इसकी मतलब पहले तो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखना कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास टूर्नामेंट का? करेक्ट, राइट, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बेटा 50,000। हमने इसमें क्या ऐड किया बेटा? जो हमें फीस रिसीव हुई है तो फीस रिसीव हमने ऐड किया, ठीक है, 10,000 रुपीज। और जो हमारे एक्सपेंस हुए टूर्नामेंट के उसको हम ऑब्वियसली क्या करेंगे? माइनस किया हमने 30,000 रुपीज। आंसर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का कितना आएगा बेटा? 30,000 आएगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे? इसकी तो बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन है। हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया, हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया, ये हमारा लाइबिलिटी साइड रहा, ये हमारा एसेट साइड रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर प्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? ठीक है, प्रेजेंटेशन हमने यहां लिखा बेटा, सबसे पहले अच्छा सेम फॉर्मूला आपको पूरा पूरा एज इट इज लिख लेना है, टूर्नामेंट फंड और इनर कॉलम में उसकी वैल्यू भी 50,000 रुपीज। फिर हमने यहाँ लिखा प्लस यानी ऐड लिख दो आप, ठीक है, फीस रिसीव फॉर टूर्नामेंट, फीस रिसीव फॉर
टूर्नामेंट हमें कितना रिसीव हुआ, 10,000 हमने ऐड किया। फिर हम लेस करते हैं बेटा क्या चीज, टूर्नामेंट एक्सपेंस। ओके ध्यान रखना जिसको लेस करना उसको विद इन ब्रैकेट शो करेंगे, और इसका फिर आपका पैसा बच गया कितना, 30,000 रुपीज हमने यहाँ इसको शो कर दिया टूर्नामेंट फंड बैलेंस। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया। अब एक चीज और, यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि जिसमें हमें मतलब ये प्रेजेंट करना हो, यानी हमें ये चीज दिखाना हो कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा हो। पॉइंट समझे आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा कि आप क्या करोगे, आप अपने बैलेंस शीट को, यानी आप अपने बैलेंस शीट को इक्वल शो करना जरूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, सिद्धांत क्लियर है? नहीं 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 नहीं, सेजल क्लियर है? ओके ना, लेकिन अब हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है, इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज करके क्या करते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस को 80,000 कर देते हैं। बेटा अगर हमने टूर्नामेंट एक्सपेंस को 80,000 कर लिया तो अब आपका टूर्नामेंट फंड का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बेटा? नेगेटिव। कितना नेगेटिव आया? अब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा इसकी प्रेजेंटेशन बेटा, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है जितना आपने लिखा है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। पहली चीज, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या हमारी बैलेंस शीट में आज तक कोई भी एसेट या लाइबिलिटी नेगेटिव वैल्यू में आया है? भाई बचपन से यानी 11 से आप लोग पढ़ रहे हो, कभी ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन क्या हमारे बैलेंस शीट की वैल्यू जीरो हो सकती है किसी पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू? ओके, तो दैट मींस व्हाट, कि हम बैलेंस शीट में बेटा जीरो तक वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों को, बाकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हुए उनको हम एक्सपेंडिचर साइड से करेंगे। कैसे भाई, हमारे पास टूर्नामेंट फंड कितना था, 50,000, और टूर्नामेंट से फंड से रिलेटेड हमें फीस रिसीव हुई 10,000, तो बेटा टूर्नामेंट से रिलेटेड टोटल इनकम कितना था, ठीक है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? ओके, तो बेटा सिंस हमारे पास टोटल इनकम फंड से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड 60,000 है, तो हम मैक्सिमम कितना एक्सपेंस लेस कर सकते हैं टूर्नामेंट का, 60,000, सो दैट हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कितनी वैल्यू शो हो जाएगी, नल। और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुए, एक्स्ट्रा कितना एक्सपेंस हुआ बेटा, 20,000, उसको हम कहां शो करेंगे बच्चा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे ये फॉर्मेट होता है बेटा, जिसमें डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ मेंशन करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, वो भी कितने का हमारा एक्सपेंस हुआ बेटा, एक्स्ट्रा 20,000। पहले बताओ प्रेजेंटेशन समझ में आई सब बच्चों को, एवरीवन, ठीक है। सो अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा था तो हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे शो कर रहे थे बेटा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो जितना नेगेटिव आया, नेगेटिव हमारा आया था 20,000, उसको हम शो करते हैं एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड। बट उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जितनी हमारी इनकम है उसमें से पहले तो हम अपना एक्सपेंस माइनस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है उसे हम एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। पहले बताओ सारे बच्चे समझ गए, एवरीवन, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती थी, तो जितना फंड होगा बेटा इस फंड को हम क्या करेंगे, अपने फंड बैलेंस में रख लेंगे एज एन ऑब्लिगेशन। और अगर आंसर आपका नेगेटिव आता है, दैट मींस आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, तो बेटा कहां शो करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर एवरीवन? और इसके बेटा ये मेरा टैलेंट है, मैंने बहुत साल तक कॉर्पोरेट में जॉब किया ना। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से समझना, काफी जरूरी है बेटा। सिंस फंड इज अ लायबिलिटी, सो व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला इन द एंड प्रेजेंटेशन वी विल डू ओनली फंड ट्रीटमेंट। यानी बेटा अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक फंड का यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बैलेंस शीट में मैंने सिर्फ फंड का ही ट्रीटमेंट किया था, और एक्सपेंडिचर साइड में भी मैंने सिर्फ फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही प्रेजेंट किया था। बात समझे? ओके, नाउ दूसरा पॉइंट बेटा,
ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इफ इन एनी केस एसेट लाइक कैश बैलेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या फिर बैंक बैलेंस अगर आपको गिवन है बेटा, ठीक है, तो हम उसे सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर देंगे एसेट साइड, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। आई रिपीट, आपके पास फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है और साथ साथ आपको कोई एसेट का भी वैल्यू दे रखा है, लेट से कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ये सारे सिंस आपके एसेट होते हैं, तो आप इनको सिंपली कहां प्रेजेंट कर दोगे बैलेंस शीट पे, मतलब इनके कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, आप सिर्फ इनको क्या करोगे प्रेजेंट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, ये भी एक एग्जाम्पल है फंड बेस्ड का। पहले बताओ कौन से फंड की बात हो रही है। अगर आप चेक करो तो कौन से फंड की बात हो रही है, प्राइस फंड। और अगर प्राइस फंड से रिलेटेड बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट की बहनों, तो क्या इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है बेटा। अब देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी बेटा, हमारे पास प्राइस फंड है और उससे रिलेटेड जो हमको इनकम रिसीव हुई उसको हम क्या करेंगे प्राइस फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ है, जैसे प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस अवॉर्ड मतलब हमने प्राइस अवॉर्ड किया, क्या इसमें हमारा एक्सपेंस होगा कि नहीं बेटा, ठीक है, तो इस एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसको हम कहां प्रेजेंट कर देंगे बेटा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। मतलब ये कि अगर आप ये प्रेजेंटेशन देखो बेटा, तो ये रही हमारी प्राइस फंड, हमने उसमें इनकम ऐड किया, उससे एक्सपेंस माइनस किया, तो जो हमारा फाइनल फिगर आया उसको हमने कहां शो किया बेटा, लाइबिलिटी साइड शो कर दिया, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन था उसको हमने किस साइड शो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड शो कर दिया। क्लियर एवरीवन? रमनप्रीत, सिद्धांत, सेजल, प्रशांत, तुमने भी नहीं किया था ना मेरे साथ ये चैप्टर, अभी समझ में आ रहा है ना ये चीज? ओके, हेमा क्लियर है? खुशी शर्मा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बेटा हमारी मतलब ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमको क्या करना था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट समझना था। सारे बच्चे अच्छे से समझ गए बेटा? ओके, अब देखो मैंने आप लोग से क्या बोला, हमें सबसे पहले 3 मार्क्स के टॉपिक को कवर अप करना बेटा। तो 3 मार्क्स में हमारे टोटल 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा टॉपिक होता है बेटा कंजप्शन का ट्रीटमेंट। ध्यान रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके ना कई सारे वो हैं, 3 फॉर्मुलेज होते हैं और 3 फॉर्मुलेज हमें डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सबसे पहले जरा एक छोटी सी पॉइंट पढ़ ले, फिर बताता हूँ ये फंड होता क्या है, मतलब ये कंजप्शन का पॉइंट होता क्या है। पहली चीज तो टोटल 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ नंबर वन। अभी ये है क्या नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, अभी वो बताता हूं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज गिवन है सो यू विल ऑलवेज यूज फॉर्मूला नंबर वन, बट अगर क्वेश्चन में परचेज नहीं गिवन होगा तो उस केस में या तो फॉर्मूला नंबर टू या फॉर्मूला नंबर थ्री यूज करेंगे, एज डिपेंडिंग हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब इस चीज को अभी नोट नहीं करना, पहले समझ लो बेटा आप लोग, ठीक है। सी, कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब कि उसने टोटल क्या कंजप्शन किया है बच्चों, मतलब अपने एक्टिविटीज के लिए। जैसे सपोज करो मेरा एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, जिसमें ना मैं स्लम एरियाज के बच्चों को बेटा हमेशा क्या करता हूँ, उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करवाता हूँ। एग्जाम्पल समझ में आया मेरा क्या काम है? ओके, अब जरा समझना बेटा, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके थ्रू समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर बता रहा हूं, अब सपोज करो बेटा, ध्यान से समझना आप लोग सारे बच्चे, है ना। मैंने क्या किया बेटा, मुझे अपने स्लम एरियाज के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज करवानी है। अब सपोज करो मेरे पास एक वो पड़ा है, मतलब मेरे पास पहले से ना कुछ चार्ट पेपर पड़े हैं, मेरे पास पहले से कुछ चार्ट पेपर्स और कलर पेंस कलर्स पड़े थे, ठीक है, लेट से करीब करीब 1000 रुपीज के। तो अगर मेरे पास पहले से पड़े हैं तो क्या ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा?
ठीक है। अब सपोज करो मैं गया बच्चों के लिए और चार्ट पेपर्स, कलर्स या फिर लेट से और क्या परचेज करके ले आऊंगा, और क्या क्या चीज, लेट से कुछ डिजाइन परचेज करके ले आया, ठीक है, कुछ डिजाइन, कुछ चार्ट पेपर्स, कुछ कलर पेंसिल्स, कुछ सारी चीजें स्टेशनरी के आइटम्स परचेज करके ले आया, लेट से 20,000 रुपीज के, ठीक है। तो ये मेरा परचेज हो गया। अब सपोज करो मैंने ना अपने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करवाई, सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे मतलब ड्राइंग्स की, मतलब अच्छे अच्छे सब चीजें प्रिपेयर किया, और मैंने एट द एंड ऑफ द टाइम मतलब जब मेरा पूरा ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी भी ना कुछ चार्ट पेपर्स बचे हैं और कुछ कलर पेंसिल्स बच गए बेटा मेरे पास, ठीक है, कुछ कलर्स बच गए, लेट्स से 5,000 रुपीस की। अब जरा आप लोग समझना, जो बच गया वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। ओके, अब सर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे पास पहले से 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था और मैंने 20,000 रुपए का और स्टॉक खरीद लिया था, तो मेरे पास टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल है बेटा अभी बच्चों के लिए, 30,000 का। बच्चों ने इसको यूज किया, यूज करने का मतलब क्या है, इसको क्या किया होगा, कंज्यूम किया होगा, और उसके बाद जब उन्होंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो मैंने देखा कि अभी भी मेरे पास कितने कितने रुपए का स्टॉक बच गया है, 5,000 रुपीज का। अब जरा सोचो बेटा, 30,000 का टोटल स्टॉक था, उसमें से 5,000 का सिर्फ स्टॉक बचा है मेरे पास, तो यानी बच्चों ने कितने रुपीज का स्टॉक यूज कर लिया, सेजल, सिद्धांत, रमनप्रीत, राइट, सिद्धांत कितने का स्टॉक बच गया मेरे पास, ओके, और टोटल मेरे पास कितने का स्टॉक था, तब टोटल कितने का स्टॉक था, 30,000 का था, मैं पहले से ओपनिंग स्टॉक था और बाद में मैंने और खरीदा, तो टोटल 30,000 रुपए का सामान मेरे पास पड़ा था, बच्चों ने सारा कुछ किया तो 5,000 खाली बच गया, तो इसका मतलब बच्चों ने कितने हजार रुपए की ट्रांजेक्शन किया अभी तक, राइट। सो प्रशांत समझ में आया पॉइंट बेटे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम ये देखते हैं बेटा कि हमारा टोटल कितना कंजप्शन हुआ है। अब एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, कंजप्शन हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी चीज है बेटा, बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने खरीदा होगा इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर मैं मतलब जो भी चीज एक्सपेंस करूंगा तो कंजप्शन मेरे लिए हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। तो पहले बताओ कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, अब इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो फॉर्मूला नंबर वन, यानी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको अभी अभी आपने क्या किया था बेटा समझाया, हमारे पास जितना ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम परचेजेस को ऐड करते हैं, और जितना स्टॉक बच गया यानी क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं उसको हटा दूं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसमें अब तक कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है, और जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा उसको मैं कौन से साइड शो करूंगा बेटा, एक्सपेंडिचर साइड। एक लास्ट एग्जांपल और समझ लेते हैं इसी का, ठीक है, सो दैट ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो बेटा मैं ना क्या नाम है अपने बच्चों के लिए लेट सपोज क्या कर रहा हूँ, लेट सपोज उनके लिए मैं बेटा उनको मैं वो फूड प्रिपेयर करवा रहा हूँ उनके लिए, है ना, खाना उनको खिलाऊंगा आज, ठीक है। अब मान लो मैंने देखा कि मेरे पास ना कुछ राशन पहले से पड़ा था, लेट से 5,000 रुपीज का राशन पहले से पड़ा था, मैं मार्केट से गया, मैंने लेट से 25,000 रुपए का राशन और खरीदा, फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनवाया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास अभी भी कुछ राइस के मतलब पैकेट्स अभी भी रह गए, ठीक है, कुछ दाल के पैकेट्स अभी भी रह गए जिनकी वैल्यू है लेट से 10,000 रुपीज, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने टोटल अब तक मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक था, ओके, उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे रह गए जिनका अभी तक मैंने यूज नहीं किया, कितने का, 10,000, मतलब दैट मींस द क्लोजिंग स्टॉक जो यूज नहीं हुए। तो बच्चों ने बेटा कितने रुपए का मेरा मतलब कितने रुपए का फूड कंज्यूम किया होगा, 20,000। सो दिस इज व्हाट कि अगर मैंने बच्चों ने 20,000 रुपीज का स्टॉक कंज्यूम किया है
तो मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसका करना क्या होता है प्रेजेंटेशन बेटा, आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला एज इट इज लिखते हो और जो आपका 20,000 आया आप उसे क्या करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहां पर एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, यहां पर इनकम क्रेडिट साइड में, और आप यहां लिखोगे अमाउंट कंज्यूम। मान लो ये कंजप्शन था बेटा, ठीक है, सो आप स्टॉक का था तो स्टॉक कंज्यूम्ड एक्सपेंस साइड में कितने रुपीज का 20,000 का, और ये प्रेजेंटेशन दे दोगे। बात समझ में आई सब बच्चों के? भाई सारे बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया ना अच्छे से?